ये मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत अच्छा लगा। राज खोसला फाउंडेशन ने आज इनवाइट किया एक छोटे से फंक्शन में, और हिंदुस्तान की फिल्म इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर राज खोसला साहब हैं। अफसोस ये है कि आने वाली नई जनरेशन जो है उनके विषय में कम जानती है, उनकी फिल्मों को कम देखा है, जो वैरायटी उनके काम में है वो लोग उसके बारे में कम जानते हैं। और मुझे लगता है राज खोसला फाउंडेशन बना के इस बात की भी कोशिश की जानी चाहिए कि राज खोसला साहब का जो काम है वो आने वाली जनरेशन तक भी लोगों तक पहुँचे और उनको पता लगे कि हिंदी सिनेमा में भी कितने महान लोग डायरेक्टर राइटर हुए हैं। मुझे राज खोसला फाउंडेशन के बारे में दरअसल बहुत कम पता है, जो भाषण सुने उनसे पता चला ये नया फाउंडेशन है जो नए डायरेक्टर्स को सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छी बात है। मुझे सिर्फ दो दिन पहले एक इन्विटेशन आया था शशि रंजन साहब का, और मेरी आज एक शूटिंग भी थी, पर शशि साहब ने बहुत इंसिस्ट किया कि आना है, तो मैं आया। अब इस फाउंडेशन के बारे में पता चला है, धीरे धीरे मैं खोसला फैमिली को जानूंगा और पता चलेगा फाउंडेशन किसके बारे में, पर अगर ये नए फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करती है तो बहुत खुशी की बात। 20 साल लगे या जितने भी टाइम लगे, थिंग्स हैपन, व्हेन इट हैपेंस इट जस्ट हैपेंस। सो दिस इज जस्ट हैपेंड, वन ब्यूटिफुल मॉर्निंग वी जस्ट थॉट ऑफ इट, एंड सम वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स जस्ट गेव मी द इनिशिएटिव के यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर फादर, एंड आई जस्ट सेड यस आई एम गोइंग टू डू इट। नहीं, डिबेट का मजा ही होता है कि डिबेट इसलिए की जाती है कि उसका रिजल्ट ना निकले। बहस का मजा तब है कि बहस चलती रहे, और ये छोटी और बड़ी फिल्मों की लड़ाई है ना, उनके तालाब में हम छोटी मछलियां घुस के उनका भोजन खा जाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है उनको। तो ये एक पुरानी डिबेट है छोटी फिल्मों की, ऐसी फिल्मों की जिनमें नई कहानी है, नए विषय हैं, नया अनुभव है, नया अंदाज़े बयां है, नया कथानक है, और उनके पास पैसा है, स्टार हैं, चमक है, मीडिया है, तो ये पुरानी यू नो झगड़ा है पुराना, ये तो ये चलता रहता है। बहुत ही महान कलाकार, महान डायरेक्टर को लेकर हम इस तरह याद करते हैं उनका काम, एक फाउंडेशन बनाते हैं, और फिर उस फाउंडेशन के ज़रिए हम बहुत कुछ करते हैं कि नए लोगों को इनक्रेज करें, नए आइडियाज़ को इनक्रेज। जिस तरह के वर्सेटाइल डायरेक्टर थे राज साहब, ऐसे लोगों को आज इनक्रेज करें कि वो अच्छी नई फिल्में बनाएं। सो आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट अ वेंचर लाइक दिस, एंड द राज खोसला फाउंडेशन इज अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप फॉर दिस। फ्यूचर प्लान से एक तो माने हर नए डायरेक्टर जो हैं, आजकल के नए जवान जो लड़के हैं जो चाहते हैं उनको कुछ करना है सिनेमा के लिए, मूवीज़ के लिए, डायरेक्शन में हो चाहे म्यूजिक में हो चाहे डायरेक्शन में हो चाहे किसी फील्ड में हो, उनको कुछ करना है। दे डोंट हैव द फंड्स, दे डोंट हैव द मींस, और दे डोंट हैव द यू कैन से द हेल्प नीडेड व्हाट दे रिक्वायर। सो वी आर द वंस विल हेल्प देम, गाइड देम एंड इनिशिएट इट फॉर देम, सो दैट दे कैन डू समथिंग नाइस फॉर आर इंडियन सिनेमा।